सो हेलो एंड वेलकम टू आरजे 19 हॉर्स वर्ल्ड गाइस। आज हम लोग हैं सनी ब्रुक स्टड फार्म अजमेर में और आपको दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत नगीने। और उसी कड़ी में देख रहे हैं सबसे पहले ये खूबसूरत स्टैलियन ओम। तो गाइज बात करेंगे इस खूबसूरत घोड़े के प्राउड ओनर से और जानेंगे इस खूबसूरत नगीने की डिटेल। नमस्कार अंकल, कैसे नमस्कार। सर? तो बहुत अच्छे। सर क्या है इस खूबसूरत नगीने की डिटेल और क्या है इसकी प्रोजेक्ट? ये तूफान लाइन से एक घोड़ा था, डुंडा इच्छा दूल्हे विक्रांत रावल के पास, ज्वेल करके उसका बच्चा है। हम विक्रांत रावल से लेके आए। और कितने साल का हो गया इस टैलेंट? तो अब ये 6.5-7 साल का है, तूफान लाइन तक कह सकते हैं मतलब उस इस टैलेंट को। 100%। ठीक है, और कितने साल का हो गया ये? 6.5-7 साल का, 6.5 साल का। कब से है अंकल आपके पास में? मतलब 6.5 साल। नहीं, आपके पास कब से है? हाँ, 6 महीने का बच्चा ही लाए थे हम। अच्छा, आप 6 महीने का छोटा बच्चा लेकर आए। जी ठीक। तो इस खूबसूरत बच्चे में आपने मतलब आपने क्या देखा, ऐसी खासियत कि आपको लगा कि ये इस तरह रखना चाहिए अपने पास? मुझे तो ऑन द होल बच्चा इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैं लाइन वाइन में ज़्यादा सोचता समझता नहीं हूँ। अगर जानवर मुझे समझ में आ गया तो हमने तो उठा लाए थे। जैसे आप बाद में मुझे सब पता लगा कि भाई ये इसका बेटा है, इसकी बेटी है। ये घोड़ी तो थी अलीशा, जो कि वेल नोन घोड़ी थी, और घोड़ा था ज्वेल, उसका बच्चा है ये। उसका बच्चा है। अगर बात करें तो आपकी कितना आपका 1 सालों का एक्सपीरियंस है और घोड़ों में आपका शौक कैसे लगा? शौक क्या, हमारे पास तो खानदानी घर में भी घोड़ा था, अच्छा। दादाजी के टाइम पे भी था। फिर कुछ टाइम दादाजी के गुजरने के बाद कुछ टाइम नहीं था, क्योंकि सब बाहर चले गए थे, आउट ऑफ अजमेर। फिर 89 से मैंने वापस घोड़े रखना शुरू किया। 89 से लेके अब तक हम घोड़े रख रहे हैं, और सब कुछ मालिक की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये अपन ने मतलब ब्रीडिंग के हिसाब से लिया, ब्रीडिंग के पर्पस से लिया? भाई हमने तो ले लिया था कि पसंद है बच्चा, तैयार करेंगे। उस टाइम तो कोई प्रोग्राम था नहीं ब्रीडिंग का, लेकिन अभी 3-4 साल से मैंने ब्रीडिंग चालू करी है इनकी, प्रोसेस लेने के लिए। तो अब इनके बच्चे आ रहे हैं। कितने के बच्चे आ गए अंकल इसके? खड़े इसके 2 बच्चे अभी मेरे पास हैं, आपके पास अभी? एक बच्ची है एक बच्चा है। अच्छा, और वो क्या उनकी मदर लाइन से कहाँ से है वो? मदर उनकी है वंश की बेटी, वनराज लाइन से है वंश, उसकी बेटी है सावित्री मेरे पास। उसने एक बछेरी दी है, लाजवाब रिजल्ट दिया है, लाजवाब बछेरी दी है। लाजवाब बच्चे दी इसके। और जी, अभी इसका एक बच्चा भी खड़ा आपके पास में? इसका बच्चा अभी 3 दिन पहले ही हुआ है। अच्छा। तो कैसे क्या रिजल्ट दे रहा है ये अभी? बहुत बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन मार्किंग, और बहुत अच्छा बहुत अच्छे सब रिजल्ट दे कुछ। रहा है। हाँ तो गाइज इसी वीडियो में हम आपको इस घोड़े के रिजल्ट भी दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट ये खूबसूरत घोड़ा प्रोड्यूस कर रहा है, और आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि क्यों लोग तूफान लाइन के फैन हैं और क्यों लोग तूफान लाइन को इतना पसंद करते हैं। इस घोड़े की अगर बात करें तो इसकी कंफर्मेशन आप देखिए, इसके कान आप चेक कीजिए कि घोड़े को आप टॉप टू बॉटम आप देख रहे हैं अभी अब स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत एकदम रिफाइंड ये नर घोड़ा है और अभी अपने पूरे शबाब पर है। 7 साल 6.5 साल का ये खूबसूरत नर अश्व आपके सामने है, और हम आपको इसकी बच्ची भी दिखाएंगे और बच्चा अभी छोटा है इसका, बहुत ही खूबसूरत अभिजीत रिजल्ट इस घोड़े से अभी प्रोड्यूस किया है 4 दिन पहले। वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं दिखा पाएंगे, बहुत ही अभी छोटा है वो, बट नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली मैं आप लोगों को वो भी बच्चा दिखाऊंगा। लेकिन अभी इस घोड़े की बहुत ही खूबसूरत 3 महीने की बच्चे लिए जो मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगा।
सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये गाइस, ये है सावित्री, वंश और टियाना की बेटी। वंश है सरेड बाय वनराज, खूबसूरत 4 साल की घोड़ी आपके सामने है, ग्रे कलर की। गाइस ये है स्टैलियन ओम, और अभी जो आपने ग्रे घोड़ी देखी उसका रिजल्ट, खूबसूरत अच्छेरी आप चेक कर सकते हैं। मात्र 3 महीने की बछड़ी है।